हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकिता सिंह आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मेरे चैनल अंकिता रेसिपी में। आज मैं आप लोगों के लिए ब्रेड क्रम्ब की रेसिपी लेके आई हूँ। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे हम कढ़ाई में ब्रेड क्रम्ब बना सकते हैं बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम मेहनत के साथ, और एकदम ही क्रंची और वाइट वाइट सा ब्रेड क्रम्ब हमारा बनेगा कढ़ाई में। इस ब्रेड क्रम्ब का यूज़ आप कोई भी स्नैक्स बनाने में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कटलेट, पकौड़े, कोई भी स्नैक्स आप बना रहे हैं फ्राई करने से पहले इस ब्रेड क्रम्स में रोल करिए, उसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो चलिए इसके बनाने का प्रोसेस हम शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 5 वाइट ब्रेड लिया है, इसकी जगह आप ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हो। सबसे पहले इसके किनारों को हम कट कर लेंगे। आप इन किनारों के साथ भी ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं, लेकिन वो उतने वाइट ब्रेड क्रम्स नहीं बनेंगे। आप इन किनारों को फेंकिए नहीं, इसका यूज़ आप ब्रेड पोहा बनाने में कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये एक दिन पुराना ब्रेड यूज़ किया है, आप फ्रेश ब्रेड का यूज़ करके भी ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। हम सारे ब्रेड के किनारे को कट कर लेंगे। ये हमने सारे ब्रेड के किनारों को अच्छी तरीके से कट कर लिया है। अब हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे। इसे हमें मिक्सर जार में डाल के दरदरा सा पीस लेना है। छोटे छोटे टुकड़े करने से ये जल्दी से ग्राइंड हो जाएगा। ये सारे ब्रेड के हमने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। अब इसे एक हम ग्राइंडर जार में डाल देंगे और इसे दरदरा सा पीस लेंगे। हमें इसका एकदम स्मूथ पेस्ट नहीं बनाना है, सिर्फ हल्का सा दरदरा पीसना है। ये ब्रेड को हमने ग्राइंड कर लिया है, आप देख सकते हैं कि ये एकदम स्मूथ पेस्ट नहीं है, इसे मैंने दरदरा सा पीसा है इस तरीके से। अब हम एक पैन गैस पे रख देंगे। पैन हमारा गर्म हो गया है, इसे हम ड्राई रोस्ट करेंगे। कोई भी घी या ऑयल का यूज नहीं करेंगे। इसे हम लगभग 5 से 7 मिनट तक मीडियम हाई फ्लेम पे भुनेंगे। इसे हम चलाते हुए भुनेंगे, नहीं तो नीचे की लेयर जल जाएगी। लगभग 7 मिनट हो गए हैं, आप देख सकते हैं ये हमारा ब्रेड क्रम्स बनके रेडी है, ये एकदम कुरकुरा है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे पैन में ठंडा होने देंगे। हम थोड़ी थोड़ी देर में इसे चलाते रहेंगे, नहीं तो नीचे की लेयर जल जाएगी। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितना करारा रहा है। आपने आवाज़ सुना ना, ये कितना क्रंची बना है। अब हम इसे अच्छी तरीके से ठंडा होने देंगे और इसे आप 1-2 महीने तक बाहर ही रख के बहुत ही आसानी से स्टोर करके रख सकते हैं, ये खराब नहीं होगा। ये ब्रेड क्रम्स हमारे ठंडे हो गए हैं, इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये हमारे ब्रेड क्रम्स बन के रेडी हो गए हैं। आपने देखा इसे बनाना कितना आसान है और कितने कम समय में हमने बना के इसे रेडी कर लिया। हमेशा की तरह अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें। अपना एक्सपीरियंस मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं कि आपका ब्रेड क्रम्स कैसा बना। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लिखे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।